जेल भरो तहरीक हमारी जो है वो उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये 24 घंटे के नोटिस के ऊपर शुरू हो सकती है, हो सकता है ये कल शुरू हो जाए, हो सकता है ये परसों शुरू हो जाए, लेकिन ये तहरीक बिल्कुल मुकम्मल है और इंशाल्लाह हजारों लोग इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स इन मामलात का नोटिस लेंगी। इसके साथ मैं एक और नुक्ता ये रखना चाहता हूं, जब ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमने पंजाब में ये कहा कि 22 अफसर हैं जो तहरीके इंसाफ के खिलाफ जाती तौर पर मुलव्वस हैं यहां पर इंतकामी कार्रवाइयों में और उनको यहां अपॉइंट ना किया जाए। बड़े अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमिश्नर ने और पंजाब हुकूमत ने उन 22 में से 17 ऑफिसर्स को पंजाब में अपॉइंट कर दिया है और बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी लगाया जा रहा है। मैं इन 22 ऑफिसर्स को कहता हूं, आप आइन के तहत हलफ लेके आए हैं, आपकी वफादारी रियासत के साथ होनी चाहिए, एक जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर के ऊपर खुद को अपने ओहदों से अलहदा करें और पार्टीजन ना हो, ताकि ये ना हो कि उसके ऊपर आपके खिलाफ बाद में कार्रवाई हो। लिहाजा ये मामलात ऐसे हैं जिसपे अदलिया को नोटिस लेना है और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया पाकिस्तान के आइन की तहफ्फुज़ करेगी।